हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज है नवरात्रि का छठा दिन एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर माय पूजा। तो मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। बस मुझे ये चूड़ियाँ डालनी है। नहीं, तो आज हम बनाएंगे पुदीने की चाय। तो ये मैंने मिंट लीव्स तोड़ लिए हैं, आलू भिंडी की सब्जी। हाय गाइस, सो अभी मैं फाइनली पूजा पर से उठी हूँ और हम थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड सबसे पहले मैं नींबू पानी पीऊँगी। सो आई थॉट कि एक बार आपसे बात कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपके शहर में गर्मी का क्या हाल है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, सो इसलिए मैं सबसे पहले नींबू पानी पीऊँगी। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ मिंट टी, क्योंकि पुदीने की चाय आप पीते हैं या तो आइस टी बनाइए, मतलब ठंडा या गर्म, लेकिन पुदीने की चाय पीते हैं तो वो भी आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि नेचुरल लाइट नहीं आ रही है। चलिए, फ्री होकर मैं आपसे बाद में मिलूंगी और आज हम डिस्कस करेंगे किस टॉपिक पे, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद, आफ्टर यू नो मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ, उसके बाद फ्री होकर के आप सबसे मिलते हैं। सो गाइज, नींबू पानी लेने के 15 मिनट बाद मैंने केला खाया, क्योंकि आपको मॉर्निंग में ऑब्वियसली बात है कि आप रात रात भर भूखे रहते तो आपको बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी होती है। इसलिए तो जब आप कोई फ्रूट खा लेते हैं और वो भी उसमें एक नेचुरल स्वीटनेस मिल जाती है आपको ना, तो आपको शुगर की क्रेविंग वैसे ही ख़त्म हो जाती है और आप यू नो कुछ मीठा लेने से बच जाते हैं। फिर मैंने अपने ब्रेकफास्ट में 2 रोटी और सब्जी की, केला खाने के आधे घंटे के बाद। सो गाइज, मिंट टी बनाने के लिए सबसे पहले आप पानी रख दीजिए 1 कप, और जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तब आप इसमें मिंट लीव्स डाल दीजिए और 2 से 3 मिनट और गैस पर रखिए। उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ करके इसको ड्रेन कर लीजिए, बिकॉज अगर बहुत देर तक उबालेंगे ना तो मिंट की सारी खुशबू और फ्लेवर चली जाती है इसलिए। हाय गाइस, सो मिंट टी पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं मैं ये आप सबके साथ अभी जस्ट शेयर करती हूँ। सो मिंट टी सबसे पहले तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर ब्लॉटिंग वगैरह के इश्यूज़ हैं, तो आप अगर मिंट टी लेना शुरू कर देते हैं ऑन अ डेली बेसिस तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, आपके स्टमक में दर्द नहीं होगा। एंड द सेकेंड थिंग कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं एंड आपको ये पीरियड्स क्रैम्प में भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है और आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो आप यू नो
मिंट वाला ऑयल भी अगर आप यू नो अपने बेडरूम में डिफ्यूज़र वगैरह में ऐसे करके रखते हो सेंटेड, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और आपको बहुत अच्छी नींद भी आती है। तो इसलिए मिंटी के बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आप इसको अपने पसंदीदा तरीके से बना सकते हैं। मैं सिंपली इसको बस पानी में बॉईल करके ले लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और रिफ्रेशिंग लगता है। पर आज मेरा जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा बंद गाढ़ा हो करना गया भूल गई ना, बिकॉज मैं बंद करना भूल गई। यू कैन सी कितना ज्यादा गाढ़ा हो गया। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बहुत ट्राई कर रहे हैं बट वेट लॉस नहीं हो रहा है। एंड वेट लॉस इज इम्पॉर्टेंट और फिटनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपके लिए क्या मैटर करता है, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे कुछ इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं या फिर मेरी पुरानी वीडियोज़ जो मैंने बनाई है वेट लॉस के बारे में उस पर कमेंट्स आते हैं कि हम वही चीज़ें कर रहे हैं, सेम डाइट फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बट हमारा वेट उतना नहीं लूज़ हो रहा है जितना होना चाहिए, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हर बॉडी टाइप अलग अलग होता है और इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की बहुत टाइम से मैं सोच रही थी बट आई एम नॉट कंफर्टेबल यू नो फॉर मेकिंग वीडियोज़ लाइक दिस कि मैं क्या खाती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी को जो सूट करता है आई एम नॉट श्योर कि आपकी बॉडी को वो सूट करेगा या नहीं। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वी एन फैमिली जहाँ की शुरू से हमें ये सिखाया जाता है कि ये हेल्दी चीज़ें इसको खाओ। आपको भी पता होगा कि बचपन में आपके पेरेंट्स भी हमेशा से आपको बोलते रहे होंगे कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, लौकी खाइए, करेले खाइए, इससे आपकी आंखों की भी रोशनी बढ़ेगी और आपके बाल भी अच्छे होंगे। तो ये सारी चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इट मे बी कि इसका कुछ बेनिफिट तो है, तभी तो बचपन से कहा जा रहा है और अभी भी लोग कहते हैं। और आपको बस यही चीज़ें खानी है, आपको जंक फूड अवॉइड करना है जो आजकल हमने इतने सारे फैंसी फूड खुद से इन्वेंट कर लिए हैं। तो बेसिकली आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हम ज़्यादातर जंक फूड खाते हैं, जब भी हमें भूख लगती है वो फटाफट बनने वाला मील होता है और हम उसको तुरंत बना करके अपनी क्रेविंग्स को फुलफिल कर लेते हैं। वही एक रीज़न होता है हमारे वेट गेन का। आप पहले के लोगों को देखिए, अपनी दादी या नानी के एज ग्रुप में जाकर के देखिए, तो वो आज भी एकदम फिट हैं। उन्हें तो पता ही नहीं कि वेट गेन और वेट लॉस होता गया है, क्योंकि उनका उनके हिसाब से उनकी बॉडी एकदम परफेक्ट है। सबको पता है कि कुछ टाइम पे आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे जब आपकी शादी होती है उस टाइम पे आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कई बार वेट गेन हो जाता है एंड फिर वो अगेन नॉर्मल आ जाता है बाद में, अगर आप अपना रूटीन और यू नो लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं देन। उसी तरीके से प्रेगनेंसी के बाद भी आपका वेट गेन होना विच इज़ वेरी नेचुरल, तो ये पहले भी होता था लेकिन अपने लाइफस्टाइल के कारण, और पहले के लोग इतने एक्टिव रहते थे और जंक फूड नहीं खाते थे जिसकी वजह से वो आसानी से अपने दोबारा शेप में दोबारा अपने वेट में आ जाते थे। जंक फूड खाने की वजह से ही हमारे शरीर में यू नो ब्लॉटिंग और गैस्ट्रिक इश्यूज भी होते हैं और वेट गेन होना बहुत ही कॉमन ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप दिन भर बैठ करके मोबाइल करते हैं तो आपका वेट गेन होना वेरी नेचुरल है। और आज के टाइम में लोग शुगर बिल्कुल भी छोड़ नहीं पाते, शुगर छोड़ना उनको बहुत बड़ा टास्क लगता है, लेकिन फिर भी लोग अभी अवेयर हुए हैं वेट लॉस के प्रति और वो वेट लॉस करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। अगर आप अपनी बॉडी में अचानक से कुछ चेंजेस लेकर के आ रहे हैं तो आपकी बॉडी को अडॉप्ट करने में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। यू नो जैसे मैं शुगर नहीं खाती हूँ, मुझे उतनी क्रेविंग्स नहीं है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरी बॉडी को, लेकिन वही हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है अगर वो बिना शुगर खाए रह लेता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अगर वो शुगर छोड़ दिया या नहीं लिया उसने पूरे दिन भर में तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है एंड डॉक्टर कहते हैं कि आप जो है अपनी आपका शुगर लेवल एकदम कम हो गया है, आप उसको इंक्रीज। तो इस तरीके से आपकी बॉडी नहीं अडॉप्ट कर पा रही, तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है और सबको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है अपनी बॉडी के लिए कि मुझे क्या चीज़ सूट कर रही है क्या नहीं। आपकी बॉडी खुद आपको बताएगी, आपको बस एनालाइज करना होगा। आप एकदम से कोई चीज़ छोड़ते हैं तो मे बी आपकी बॉडी पे उसका कुछ रिजल्ट देखने को मिले या फिर आपकी बॉडी अडॉप्ट ना कर पाए उस चीज़ को, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ग्रेजुअली एंड स्लोली। हमको किसी मिशन पे नहीं जाना है, हमको पूरा अपना टाइम लेना है प्रॉपर और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है। आप जो भी चेंजेस कर रहे हो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी बॉडी परफेक्ट हो जाए, परफेक्ट शेप में हो जाए, आपको किसी शादी में जाना है या फिर किसी फंक्शन में जाना है, आपको किसी ड्रेस में फिट होना है इसलिए आप पतले होना चाहते हो एंड देन आफ्टर वॉट एवर जो भी हो आपकी बॉडी का, यू डोंट इट डजेंट मैटर टू यू। सो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर के आते हो तो आप एक्चुअली अपने आप को फिट रख पाएंगे।
और अभी भी मैं कहूँ तो वेट लॉस इज डजेंट मैटर, वेट लॉस कोई मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है फिटनेस। अगर आप वेट लॉस करना चाहें तो आप 2-3 दिन में खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, फास्ट रख लीजिए, आप आसानी से वेट लूज़ कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या आपकी कंडीशन ऐसी रहेगी कि आप 10 बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर पाएँ, या फिर आप मार्केट से सब्जी लेकर के आएँ और उसके बाद भी एक्टिव रहें? नहीं। जब आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखोगे ना, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करोगे, और जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ से कट आउट करोगे, ऑटोमेटिकली आप फिटनेस की ओर बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आपकी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगी। जब बॉडी अडॉप्ट कर लेगी तो वेट लॉस ईजिली हो जाएगा। वेट लॉस इट डजेंट बिग मैटर नहीं है। बेसिक रीज़न है कि अगर आपकी बॉडी में कोई आपको हार्मोनल इशू ना हो या फिर थायराइड जैसा अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप आसानी से वेट लूज़ कर सकते हैं। वेट लूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। यस गाइस, इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब तक हम नहीं करते हैं उस चीज़ को हमें डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और करने लगते हैं तो हमें डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे पहले मैं बहुत देर तक सोती थी, शायद 8 बजे 9 बजे मैं सो करके उठती थी। अगर मुझे कहीं जाना नहीं है तो, अगर मेरे स्कूल का टाइमिंग मुझे याद है पहले शायद 6:30 AM पे होता था, मुझे उठने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन मैं गर्मियों की छुट्टियों में भरपूर सोया करती थी। एंड देन आफ्टर जब मैं धीरे धीरे थोड़ी बड़ी हुई, कॉलेज जाने लगी, तो कॉलेज का टाइमिंग था 10 बजे, तो मैं आराम से 8 बजे सो करके उठती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि 8 बजे सो के उठूंगी, नहाऊंगी धोऊंगी, फ्रेश होंगी, नाश्ता करूंगी, तो बहुत टाइम मिल जाएगा मुझे। मुझे नींद ही नहीं लगी कि मुझे क्यों उठना है सुबह। लेकिन जब धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली कुछ टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि सब लोग कहते हैं सुबह उठना चाहिए, अर्ली टू मॉर्निंग, तो ऐसा क्या है? आपको वो क्रेविंग्स होनी चाहिए कि क्या है ऐसा सुबह जो सब लोग कहते हैं कि सुबह उठो। एक बार आप सुबह उठ करके देखिए। जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, कोई कितना भी बोल दे, आपको कोई कुछ पता नहीं चलेगा कि वो फीलिंग क्या होती है या फिर वो एक्सपीरियंस क्या होता है। तो जब आप एक बार उठोगे फिर आपको लालच आएगी, उस चीज़ को आप फील कर पाओगे, सनराइज़ देखोगे अपनी आँखों से, उस चीज़ को आप फील कर पाओगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। एंड देन आफ्टर स्लोली ग्रेजुअली आप उस चीज़ को अडॉप्ट करते जाओगे और फिर आप आसानी से उठने लगेंगे सुबह। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमें रूटीन मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उठ करके प्रॉपर अपना शुरू हो गए और डेली के काम करना, तो आप मॉर्निंग की वैल्यू नहीं समझ पाओगे। जब तक कि आप नेचुरल सराउंडिंग में बाहर बैठ करके कुछ टाइम बिताते हो प्रकृति के साथ, देन यू रियलाइज़ कि सुबह लोग क्यों कहते हैं कि हमें उठना चाहिए। आपको खुद ब खुद इसकी वैल्यू पता चल जाएगी और आप अगले दिन से आपको लालच होगी कि हमें आज भी उठना है। इसके लिए आप अलार्म क्लॉक वगैरह लगा सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप उठने लगोगे। तो जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, आप प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज भी कर लोगे, अपने सारे काम भी कर पाओगे। क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, हम कैसे मैनेज करें। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप थोड़ा सा अपनी जिस टाइम पे आप उठते हैं आप उससे 1 घंटा पहले और उठिए और अपने टाइम को मेंटेन करिए। तो जब आप 1 घंटा पहले उठेंगे, थोड़ा सा टाइम प्रकृति के पास बैठिए, थोड़ा सा नेचुरल सराउंडिंग में, मतलब बैठ करके शांति से एकदम बिना कुछ सोचना नहीं है आपको, प्रॉपरली बस निहारना है प्रकृति को, उसकी खूबसूरती को। एंड देन आफ्टर आप अपना अपने काम में जुटिए। पहले आप फ्रेश होइए, एक्सरसाइज करिए, सबसे पहले आप पानी पीजिए, फ्रेश होइए, एक्सरसाइज करिए, देन अपने जो भी घर के काम है उसमें लगिए। तो इस तरीके से आपको आदत डालनी होगी। जब आप एक बार करेंगे तो धीरे धीरे करने लगेंगे और तो नेचुरली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से डाइट को कंट्रोल करना, जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्शन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हम टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला खाना बहुत टेस्टी लग रहा है, हमने एक्स्ट्रा खा लिया। ये चीज़ आपको कम करनी है, अपनी खाने में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और ना सिर्फ 1 या 2 मंथ के लिए, आपको बल्कि लाइफ टाइम के लिए इसको करना है, अपनी मतलब लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है। जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने लगोगे, सारी हेल्दी चीज़ें आप अपनी दिनचर्या में इंक्लूड कर लेंगे, जैसे सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, इतनी वॉकिंग करनी है, या फिर अपनी हॉबी के लिए इतना टाइम देना है, जो कुछ भी करना है आपको, तो और आपको खाने में जंक फूड अवॉइड करना है, शुगरी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लेने हैं, एनर्जेटिक फील करना है, आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेना है। इस तरीके से बाहर का आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसके पैकेट और इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें कितने अमाउंट में फ़ैट है, क्या चीज़ें हैं। आप देखने लगेंगे तो आपकी नेचुरली आपकी लाइफस्टाइल में वो चीज़ें अडाप्ट हो जाएंगी और आप खुद ही चीज़ों को रियलाइज़ करने लगोगे कि क्या हेल्दी है आपके लिए, क्या नहीं है।
और आपकी लाइफ स्टाइल ऑलरेडी मेंटेन होने लगेगी और आपका वेट लूज भी बहुत ईजिली हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा किसी को टाइम लगता है, कोई बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है और किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट डोंट वरी, आपको किसी रेस में नहीं जाना या फिर आप किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है जहाँ की आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपको कि आपको कंप्लीट करना है। सब अपना पूरा टाइम लीजिए, आराम से करिए वेट लूज, और ये ऐसा नहीं कि आपको एक महीने में ही 4 से 5 kg कम करना है। मैंने आपको बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बताया था, वो मैंने अपने हिसाब से बताया था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना होना चाहिए। वैसे तो आप एक्यूरेट जो है यूट्यूब पे या फिर कहीं भी आप गूगल वगैरह पे सर्च करके देख पाएंगे कितना रहना चाहिए बॉडी मेजरमेंट, बट मुझे पर्सनली लगता है कि मेरा जो बॉडी मास इंडेक्स है उस हिसाब से मुझे 56 या 57 मतलब मेरा परफेक्ट है, मुझे इससे कम पे नहीं जाना है। मुझे हेल्दी भी रहना है ताकि मतलब दिखने में भी मैं अच्छी लगूं और मैं हेल्दी भी फिट महसूस करूं अपने आप को, और मेरा फिटनेस लेवल भी मेंटेन रहे कि मैं मुझे अगर 10 बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हो तो मैं हाँफने ना लगूं, और किसी काम को करने से पहले मुझे सोचना पड़े कि मैं करूं या ना करूं, कोई चीज़ नीचे गिर गई है तो उठाने के लिए। जब आप अनहेल्दी हो जाते हो ना, थोड़े से मोटे हो जाते हो, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आपको सोचना पड़ता है अरे यार अब कौन झुकेगा उठने के लिए। सो ये चीज़ें ना हो आपकी लाइफ में, आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर सको अपनी लाइफ को, प्रॉपर डांसिंग वगैरह कर सको, बच्चों के साथ खेल सको, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस लेवल को मेंटेन करना। तो इसके लिए एक हेल्दी वेट होना भी इम्पॉर्टेंट है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी वेट मेंटेन करना मोर इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन टू वेट लॉस। आप 51 या 49 भी वेट लॉस कर लेते हो तो क्या ही फ़ायदा उससे, अगर कि आप कोई काम अपना कर नहीं पा रहे हो एक्टिवली, आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील कर रहे हो। इसीलिए मैं अपने डाइट में भी आपको हर एक चीज़ बताती हूँ, आपको अपनी डाइट में हर एक चीज़ इंक्लूड करना है। कार्ब्स को कम ज़रूर करना है, बट ऐसा नहीं कि कार्ब्स को बिल्कुल रिड्यूस कर देना है। प्रोटीन भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, कैल्शियम भी लेना है, किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी स्टेमिना थोड़ी सी कम होती है, तो उस स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग रखना है। तो कई केसेस में होता है कि कोई बहुत जल्दी वेट लूज कर लेता है, किसी को बहुत टाइम लगता है, तो उसके पीछे रीज़न यही कि उनकी बॉडी बहुत ईजिली अडॉप्ट कर लेती है चेंजेस को, और दूसरा उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग रहता है जिसके वजह से वो आसानी से वेट लूज कर पाते हैं। वहीं दूसरे पर्सन अगर वेट लूज करने में उनको डिफ़िकल्टी आती है, टाइम लगता है, तो रीज़न कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा स्लो है एंड उनकी बॉडी धीरे धीरे चीज़ों को अडॉप्ट करती है। तो सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, सबको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि हमें क्या सूट कर रहा है क्या नहीं, बट मैंने अपनी डाइट में वही चीज़ें दिखाई हैं जो ऑलमोस्ट सभी को सूट करेंगी ही करेंगी। कुछ केसेस को छोड़ दिया, जैसे अगर किसी को एलर्जेटिक इश्यूज ना हो तो आपको सारी ही ग्रीन वेजिटेबल्स सीजनली जो भी होती हैं वो सब अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। अपने खाने को बहुत ज़्यादा कलरफुल बना के रखना चाहिए, थाली को आप ऐसा लगाइए कि इसमें हर एक कलर दिखाई दे, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, खाने खाने का मन करेगा। खाने को खूब अच्छे से चबा करके खाइए, प्रॉपर टाइम लेकर के खाइए, टीवी देखते हुए मत खाइए, पानी तुरंत मत पीजिए। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को आप ना जब अडॉप्ट करेंगे तो आसानी से आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा और आप इजीली वेट लूज भी कर पाएंगे। सो आई होप मैंने आपके सारी क्वेरीज का आंसर दे दिया हो, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हो कि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, फिटनेस और वेट लॉस। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वॉचिंग फर्स्ट टाइम। चलिए गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।